नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के डेट क्राइसिस के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने सुना होगा। अब लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि यूएस विल रन आउट ऑफ कैश इन लेस देन 3 वीक्स, यानी 1 जून का लगभग समय दिया जा रहा है जब ये राजकोष जो है, जो ट्रेजरी है उसमें जो अमाउंट है, जो कैश है, वो लगभग खत्म हो जाएगा अगर ये डेट सीलिंग क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया जाता है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, साथ में अमेरिका के डेट क्राइसिस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और डेट क्राइसिस या डेट सीलिंग जो है, जो यूएस डेट सीलिंग है, ये एक्चुअली है क्या, और अगर इसको रेज नहीं किया गया तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ गया है और अनअकैडमी ने इस बार परचम लहरा दिया है अपने रिजल्ट्स का। यहाँ पर 1 out of every 3 सिलेक्शंस इन यूपीएससी सीएससी 2022 इज फ्रॉम अनअकैडमी। 333 लर्नर्स हैं हमारे जिन्होंने सिलेक्शन पाया है। दीज आर दी टॉप रैंकर्स जो ऑनलाइन और इंटरव्यू प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इन सभी के इंटरव्यूज आपको दिखाए जाएंगे। अगर आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अभी जुड़ जाइए अग्निपथ बैच के द्वारा जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIVE10। इस कोड के साथ आपको प्राइस पड़ेगा केवल 8,000 रुपए। इस संबंध में अगर मैं आपको बैच के बारे में बताऊं तो 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिल रही है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, 40 टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स और 10 मिल रहे हैं मेंस के, तो टेस्ट ही सॉर्टेड। मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहां पर मिल रहा है। सेशन का पीडीएफ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी और आपके डाउट्स और क्वेरीज को रिजोल्व करेगी। चलिए बात करते हैं अमेरिका की स्थिति की। सो गोल्डमैन सैश ने एस्टिमेट किया है कि यूएस विल रन आउट ऑफ कैश, यहां पर जो कैश है वो खत्म हो जाएगा विद इन 3 वीक्स अगर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया जाता। यहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि जो कैश है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो राजकोष है इनका, उसके पास वो ड्रॉप कर जाएगा बिलो $30 बिलियन बाय June 8 और 9। ये वो अमाउंट है जो कि बेयर मिनिमम होगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। मतलब खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है फिलहाल यूएसए के। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो चाहती है इस लिमिट को बढ़ाना, वहीं रिपब्लिकन पार्टी जो ऑपोजिशन में है वो बिल्कुल अड़ंगा अड़ा रही है और वो इस लिमिट को बढ़ाने नहीं दे रही है। और अगर ये लिमिट नहीं बढ़ती है तो यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा अपने डेट को लेकर। तो यहां पर ट्रेजरी जो है वो धीरे धीरे रन आउट हो रही है अपने कैश बैलेंस से टू मीट द फेडरल पेमेंट। जो भी पेमेंट्स होनी है वो नहीं की जा पाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये जो नेट बोरोइंग्स है इसको इंक्रीज नहीं किया गया फ्रॉम द पब्लिक, जिसको कंस्ट्रेंट किया गया है बाय $31.4 ट्रिलियन डेट लिमिट। नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडन और जो हाउस स्पीकर हैं केविन मकार्थी, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई डेट सीलिंग को लेकर व्हाइट हाउस में। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर डिफॉल्ट होता है यूएस के डेट में, अगर यूएस डेट में डिफॉल्ट कर जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक गारंटी है, ये श्योरिटी है कि दिस विल कॉज रिसेशन इन द अमेरिकन इकोनॉमी, जिसका डैमेजिंग इफेक्ट, जिसका प्रभाव या दुर्प्रभाव बाकी जो विश्व भर की इकोनॉमीज है उस पर भी देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। नाउ मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो बाइडन ने अपनी विजिट जो थी ऑस्ट्रेलिया की और पापुआ न्यूगिनी की, वो उसको कैंसिल कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि उनको उनका कहना था कि मैं इस डेट लिमिट टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं, इसको फिलहाल हैंडल करना ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं होता है तो डिफॉल्ट हो जाएगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं आता है बाय 1 जून। 1 जून तक अगर ये दोनों पार्टीज किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती हैं तो दिस विल बी, मतलब यूएस विल फेस डिफॉल्ट, डेट डिफॉल्ट यहां पर हो जाएगा। समय बहुत तेजी से भाग रहा है सोल्यूशन ढूंढने के लिए, 1 जून तक का यहाँ समय है। और अगर ये डेट सीलिंग रेज नहीं की गई तो यूएस गवर्नमेंट पहली बार डिफॉल्ट कर जाएगी अपने बिल्स में, जो कि हिस्टोरिक फर्स्ट होगा विद लाइकली कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही डरावने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यहाँ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, जहां जो फेडरल वर्कर्स हैं
उनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी और यूएस इकोनॉमी प्रॉबेबली ड्रॉप कर देगी इनटू रिसेशन। नाउ डेट सीलिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो डेट सीलिंग इज एक्चुअली अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी जो कि यूएस गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। डेट सीलिंग एक अमाउंट है, मतलब लिमिटेड लिमिट है कि इतना ही पैसा आप बोरो कर सकते हैं, सरकार इतना ही पैसा बोरो कर सकती है अपनी सर्विसेज को पे करने के लिए, जैसे सिक्योरिटी सर्विस है, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर या जो मिलिट्री सर्विसेज है उनके लिए। नाउ हर साल सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस से और बाकी स्ट्रीम से जैसे कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जितना रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा स्पेंडिंग्स हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो सरकार डेफिसिट में आ जाती है, कमी आ जाती है जो कि रेंज कर रहा है फ्रॉम $400 बिलियन टू $3 ट्रिलियन ईच ईयर ओवर द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों से ये बढ़ता जा रहा है। डेफिसिट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर अल्टीमेटली क्या करता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, देश के टोटल डेट पर पड़ता है। ना पैसा बोरो करने के लिए यूएस की जो ट्रेजरी है वो इशू करती है सिक्योरिटीज को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं जिसको पे बैक करना होता है इंटरेस्ट के साथ, सिक्योरिटीज इशू कर दी, लोगों ने खरीद ली, उसके बाद उसको पे बैक भी तो करना है इंटरेस्ट के साथ। एक बार जब यूएस गवर्नमेंट हिट कर जाती है अपनी डेट लिमिट को तो ट्रेजरी जो है यहाँ पर जो जो राजकोष है वो और सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो एक की फ्लो ऑफ मनी है वो रुक जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, पैसा आना बंद हो जाता है यहाँ पर। ना ये डेट इतना हाई क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है, डेट हाई क्यों होगा, कर्जा ज्यादा क्यों होगा, उधार ज्यादा क्यों होगा, जब आपकी जो रेवेन्यू है जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर आपकी इनकम आउटगोइंग से कम है, आपका जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा है और इनकम कम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल एंड अप इनटू डेट। तो यही हो भी रहा है पिछले काफी सालों से कि यूएस का जो डेट है वो ग्रो करता जा रहा है क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। यहाँ पर इस चार्ट को आप देख सकते हैं, 1980s से हम देख रहे हैं किस तरह से डेट बढ़ना शुरू हुआ। इसमें 2001 का रिसेशन है, 2008 का रिसेशन है, 2017 में ट्रंप का टैक्स कट्स है जिससे बढ़ा, फिर कोविड के समय, करते करते जो डेट है वो 30.1 ट्रिलियन का हो चुका है 2022 में, और जिसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिट है 31.4 ट्रिलियन डॉलर, डॉलर्स में है ये डेट लिमिट है, इससे ऊपर नहीं ले सकते, अगर इसको नहीं बढ़ाया गया तो डिफॉल्ट होगा इन पेमेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट। नाउ अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यूएस हैज हैड एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ डेट ऑलवेज, हमेशा कोई ना कोई डेट रहा है, लेकिन डेट अगर एक्चुअली में ग्रो करना शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ 80 के दशक में, जब रोनाल्ड रीगन ने अपना ह्यूज टैक्स कट्स की, मतलब रेवेन्यू कम कर दिया। नाउ ये टैक्स रेवेन्यू नहीं आया, गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ा, खर्चा करना है, स्पेंडिंग्स तो है ही। उसके बाद 90s में आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इट अलाउड द गवर्नमेंट टू कट बैक ऑन टू द डिफेंस स्पेंडिंग्स, डिफेंस स्पेंडिंग्स पे खर्चा कम हुआ, थोड़ा सा जो स्पेंडिंग और रेवेन्यू के बीच का गैप है वो कम हुआ। इसके अलावा बूमिंग इकोनॉमी ने हायर टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा दी, मतलब टैक्स रेवेन्यूज आने लगे तो पैसा थोड़ा आने लगा, स्पेंडिंग और जो इनकम है उसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन अर्ली 2000 में .com बबल बर्स्ट हुआ जिससे रिसेशन आया। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कट किए टैक्सेस दो बार, 2001 में और 2003 में। इसके बाद यूएस मिलिट्री के जो कैंपेन्स हुए इराक में, अफगानिस्तान में, इससे जो स्पेंडिंग्स थी ऑन द डिफेंस, ऑन द यूएस मिलिट्री कैंपेन्स, वो बढ़ गई। इसके चलते जो स्पेंडिंग्स थी वो नियरली $6 ट्रिलियन तक पहुंच गई ओवर द कोर्स ऑफ द वॉर। तो इस तरह से स्पेंडिंग ज्यादा होती रही, रेवेन्यू इतना आ नहीं रहा, इस तरह से डेट बढ़ता गया। अब ये अपनी ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच चुका है, $30 ट्रिलियन जा चुका है लगभग, 31 के आसपास की लिमिट है। नाउ 2008 में फिर ग्रेट रिसेशन आया, सरकार को बल्क अप करना पड़ा स्पेंडिंग्स को टू बेल आउट बैंक्स, और इंक्रीज करनी पड़ी सोशल सर्विसेज में स्पेंडिंग्स एज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट एट 10%, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस आया अपने प्री रिसेशन लेवल्स पे 2017 में, तो एक मेजर टैक्स कट देखने को मिला अंडर डोनाल्ड ट्रंप, डेट बढ़ गया $7.8 ट्रिलियन जब वो अपने ऑफिस में थे, 2017 की बात है। अब बढ़ते बढ़ते ये 30 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है डॉलर्स में। नाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या है,
अगर फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से देखें तो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप देख सकते हैं, सोशल सर्विस, हेल्थ, इनकम सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, मेडिकेयर, एजुकेशन, नेट इंटरेस्ट, वेटरन्स बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल गवर्नमेंट, दीज आर द स्पेंडिंग्स, मेजर स्पेंडिंग्स 2022 की अगर हम बात करें। अब हम बात करें कि इस डेट सीलिंग क्राइसिस का प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, तो देखिए यूएस ने अभी कभी डिफॉल्ट किया नहीं है आज तक, ये पहली बार होगा अगर ये किसी दोनों पार्टीज किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंचती हैं और जो डेट सीलिंग है उसको इंक्रीज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखने की बात है, पता लगेगा, क्योंकि अभी तक डिफॉल्ट कभी हुआ नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट जरूर एक डाउनटर्न फेस करेगी इन केस अगर ये होता है, ड्यू टू द सेंट्रलिटी ऑफ यूएस इकोनॉमी टू ग्लोबल ग्रोथ, क्योंकि यूएस इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ के लिए सेंट्रल है। जो क्राइसिस है इसका इम्पैक्ट यूएस डॉलर पर भी आएगा, तो जो करेंसी है इन विच मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस, इस पर प्रभाव आएगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रभाव आएगा। देखिए हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर जो बीपीओ सेक्टर है या जो एक्सपोर्ट्स हैं, इन सब पर इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा अगर ये डेट क्राइसिस, सीलिंग क्राइसिस होता है और यूएस डिफॉल्ट कर जाता है अपने डेट में। तो नाउ विद यूएस इकोनॉमी शिफ्टिंग इनटू रिवर्स, बहुत सारे इंडियन बिजनेस जो एक्सपोजर पे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसमें ट्रबल्स हो सकते हैं, जैसे बीपीओ सेक्टर की मैंने आपसे बात की है अपने ऑपरेशंस में, और यहाँ पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट हिट होंगे, हजारों लोग लेड ऑफ किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं इस क्राइसिस के चलते। तो भारतीय इकोनॉमी पर यह प्रभाव होगा ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि यूएस इकोनॉमी सेंट्रल है टू ग्लोबल ग्रोथ, तो डेफिनेटली सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए मैं आपको क्विकली बता दूं दोस्तों, 26 से लेकर 28 29 तक का जो समय है मई तक का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे। 26 मई को हमारी पूरी टीम आपके लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आने वाली है आपके यूपीएससी एग्जाम से, प्रीलिम्स से जस्ट पहले। 28 मई को हम एक फर्स्ट रिएक्शन देने वाले हैं कट ऑफ और 2023 के ट्रेंड को लेकर, 12:30 बजे होगा ये। इसके बाद 6:30 बजे पेपर वन का फुल एनालिसिस होगा पूरी टीम के साथ। इसके साथ साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर जो आपके साथ निरंतर है आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करने के लिए। हिंदी मीडियम बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, ये बैच शुरू हो रहा है 15 जुलाई से, केवल हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। परस्पेक्टिव सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, और अगर हम आपसे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप इस एक फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको फिल कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।